हेलो फ्रेंड्स, रामायण के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जटायु का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसने माँ सीता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसी को बेस बनाकर, उसी के तर्ज पर इंडियन नेवी ने मिनिकॉय आइलैंड में जो अपना उसका नया नेवल बेस है उसका नाम रखा है INS जटायु, जो कि सिम्बोलाइज करेगा सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए, जैसे जटायु के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन वनवासी राम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिद्ध हुआ था, वैसे ही INS जटायु के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, करेंटली जो हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो चेंज होते जा रहा है। इसी कारणवश इंडिया ने अपने ईस्ट में अंडमान के पास INS बाज और मिनिकॉय आइलैंड में INS जटायु को स्थापित किया है, ताकि ये हमारे आँख और कान का काम करे इंडियन ओशन में, या फिर ये कह लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन में। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्यूचर में अपने आप को एक स्ट्रेटजिक लोकेशंस में स्ट्रांग रखने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो विकसित भारत 2047 के अंतर्गत नीति आयोग और आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि इन सभी आइलैंड्स को ब्लू इकोनॉमिक एंडेवर का हब बनाया जाए, जो कि बाद में अगर आप देखो तो इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें बनाए रखने के लिए भी ये काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो सर्वेलेंस भी हो जाएगा और हमारे स्ट्रेटजिक लोकेशंस की सिक्योरिटी भी रहेगी। तो ये था आपका INS बास और INS जटायु के बारे में। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज और शॉर्ट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, सिविल अकेडमी ISPCS। थैंक यू सो मच।